हेलो एवरीवन, आई एम शालू एंड यू आर वाचिंग शालू ब्यूटी एंड फैशन। बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी एंड इतनी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था। बट मेरे दिमाग में उसी टाइम कंटेंट आया कि ऐसा बहुत बार होता है कि ऑफिस से या फिर बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसके जस्ट आपको पार्टी अटेंड करनी होती है या मीन्स घर में किसी भी तरह का फंक्शन होता है, बट चेहरा इतना ज़्यादा थका थका होता है, उस वक्त खुद से चैलेंजिंग लगता है कि किस तरह से हम फ्रेश लगे। तो मेकअप हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है, बट बस छोटे छोटे आपको टिप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। बीइंग अ मदर ऑफ टू किड्स, मीन्स घर संभालना, यूट्यूब संभालना, एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं खुद से करती हूँ। सो सच में आज मैं बहुत टाइट फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा पर्दे के पीछे जिस तरह से टाइट फील करती हूँ, तो मेकअप करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, तो चलो झटपट वाला मेकअप जो है आज देख लेते हैं। जब आपका चेहरा थका थका हो तो सबसे ज़रूरी होता है अपने चेहरे को फ्रेश दिखाना। तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से या रनिंग वाटर से साफ़ कर ले। उसके बाद में कोई भी टोनर 2 से 3 मिनट तक फ्रिज में रखें। उसके बाद आप अपने चेहरे पे अच्छे से स्प्रे करें, जिससे फ्रेशनेस आपके चेहरे पे आएगी एंड थकावट थोड़ी दूर होगी। उसके बाद में कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र आपने लेना है, आपने बहुत ज़्यादा हेवी मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं करना है एंड मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लगाना है, इतना लगाना है कि आप जो चेहरा है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। एंड पता नहीं आज मुझे इतनी ज़्यादा थकावट लग रही थी, आप देख सकते हो मेरे चेहरे की हालत, लिटरली मेरा चेहरा बिल्कुल बुझा बुझा लग रहा है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी फुल कवरेज या हेवी फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ऐसा करने से चेहरा और भी पैची केकी नज़र आएगा। मैं सिंपली यहाँ पे बीबी क्रीम को यूज़ कर रही हूँ एंड बीबी क्रीम को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप चाहे तो सीसी क्रीम कोई भी जो आपको, या फिर आप लाइट मीन्स फुल कवरेज का फाउंडेशन ना ले, आप मीडियम कवरेज का फाउंडेशन भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद में ब्लेंडिंग करने के बाद में आपने कोई भी बनाना पाउडर या लूज़ पाउडर लेना है, आपको पूरे चेहरे पे नहीं लगाना है क्योंकि पाउडर लगाने से चेहरा मैटिफाई हो जाता है एंड वो फ्रेशनेस उतनी नज़र नहीं आएगी। तो आपने करना क्या है, बस मैंने अंडर आई पे, फोरहेड पे क्रीज ना हो मेरा बीबी क्रीम, इसके लिए अच्छे से बेकिंग कर लिया है। आप चाहो तो कोई भी यहाँ पे आई शैडो ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे ग्लॉसी हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ एज अ आई शैडो क्योंकि मुझे अपने चेहरे को फ्रेश दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लिया पिंक कलर का एंड अपने आईलिड पे बस अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। उसके बाद में अगेन मैंने एक कोट लिया एंड यहाँ पे देखो मैं अपने आईलिड का जो कॉर्नर होता है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करके यहाँ पे मैं हाइलाइटर को लगा रही हूँ, जिससे मेरी आईज अपलिफ्ट लगे, डाउनवर्ड्स ना लगे। तो ये एक ट्रिक है। उसके बाद मैंने ब्लशर लिया, ब्लशर सिमिलर कलर का जिस कलर का मैंने हाइलाइटर लिया था, उसको बस मैंने फिंगर टिप पे लेके अपने आईलिड पे मैं प्लेस कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं पिंक कलर का यूज़ इसलिए कर रही हूँ, जब आपका चेहरा बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है तो पिंक कलर, पीच कलर, ऑरेंज कलर, ये सब ऐसे कलर है कि आपके चेहरे को इंस्टेंट फ्रेश दिखाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही हूँ, आप चाहे तो पेंसिल की हेल्प से या अगर आपके पास नहीं है तो ब्लैक या ब्राउन आई शैडो की हेल्प से भी आप फिल कर सकते हैं। तो आईब्रो को आप थोड़ा सा कोशिश करो कि आप घना बनाओ, जिससे चेहरा जो है उभर के आएगा। उसके बाद मैं हाईलाइटर लेके अपने ब्राबोन को यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट आपने मस्कारा लगाना है। काजल आप कोशिश करें कि जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो तो बहुत ज़्यादा काजल मत लगाएं आप, ये ऐसा मेरा मानना है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप लगा सकते हो। उसके बाद मेरी आंखें आज बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बंद हो जा रही थी, तो मैंने न्यूड यहाँ पे कोल पेंसिल लिया है एंड अपने इन लोअर लिड पे मैंने लगा लिया। अब ये है इसका मेन ट्रिक, जब आपका बहुत ज़्यादा टायर्ड हो तो आप ये ट्रिक अपना के देखना, हमेशा आपको फ्रेश लुक मिलेगा। आपको एक बेबी पिंक कलर का लिपस्टिक लेना है एंड वो लिपस्टिक एज अ ब्लश यूज़ करना है। अगर आप ब्लशर यूज़ करोगे तो बहुत ही चेहरा हेवी दिखेगा, बट इससे ऐसा लगेगा ना कि ग्लो जो है इनर मींस आपकी स्किन के अंदर से एक पिंकिश ग्लो है। तो ये ट्रिक मेरे लिए हमेशा वर्क करता है जब मैं थकी हुई रहती हूँ। मैंने थोड़ा नोज़ पे एंड दोनों चीक पे तो एक बहुत ही अच्छा सा पिंकिश टेंट आ जाता है। अगर आपके पास पीच कलर की लिपस्टिक है ना, वो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगेन यहाँ पे मैंने पिंक कलर की ही लिपस्टिक को अप्लाई किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बहुत ही जल्दी आपको फ्रेश लुक देता है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको सिखाया कि अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा थका हो तो किस तरह से आप मींस मेकअप कर सकते हैं एंड अब बिफोर एंड आफ्टर पॉज करके देखना कितना फ़र्क आपको दिखेगा मेरे चेहरे में। उसके बाद अगेन मैंने मॉइस्चराइज़र लिया एंड थोड़ा सा हाइलाइटर को मैं यहाँ पर स्क्रैच करके लूँगी। यहाँ पर कोई भी आप हाइलाइटर ले सकते हो, उसको उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद में जो भी आउटफिट आप पहन रहे हो, अगर आपको टॉर्सो एरिया पर हाईलाइट हो रहा है लाइक नेक या बैक, तो वहाँ
अच्छे से आपने अप्लाई कर दे जाके, ताकि बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस लगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका कंप्लीट लुक कैसा आया है। एंड अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा एंड अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. आज के वीडियो अच्छा लगा, और इसके पहले मैंने आप अपने स्किन को एंड हेयर को किस तरह से हेल्दी रख सकते हो, पिलग्रिम के कुछ प्रोडक्ट मैंने ट्राई किए जो मुझे बहुत अच्छे लगे, आप चाहो तो आप भी उसे ट्राई कर सकती है डेफिनेटली, एंड ये वीडियो चेक कर सकती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना यार, लव यू।